तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ई मित्र पर जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म है वो चेंज हो गए हैं, वो नियम 1 अप्रैल से लागू भी हो गया है। तो फॉर्म जो विभाग से हमारे पास में आए हैं वो फॉर्म है वो साफ नहीं है, और सब फॉर्म है वो एक साथ में PDF लिस्ट है, तो अपन साथ में प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं। अगर प्रिंट निकाल भी सकते हैं तो वो फॉर्म जो स्कैन किया गया फॉर्म है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी मेहनत करके उस जो फॉर्म है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए उस फॉर्म को अपन साफ करेंगे। तो साफ करने के लिए अपन फोटोशॉप की हेल्प लेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट से अपन PDF से JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, और फॉर्म को कैसे साफ करना है बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करना बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं कि PDF से JPG, JPG से PDF कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में आपको ऑनलाइन ही कन्वर्ट करना बताऊंगा कि आप कन्वर्ट करने के बाद में फोटोशॉप की सहायता से आप फॉर्म को कैसे साफ कर सकते हैं और कैसे प्रिंट कर सकते हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स ने फॉर्म को फिलअप करना भी बता दिया है, फॉर्म डाउनलोड करना भी बता दिया है, लेकिन साफ करने का वीडियो अभी तक नहीं आया है। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ, और आप हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। तो अब हम वीडियो को करते हैं शुरू और आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म है वो चेंज हो गए हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये फॉर्म न्यू फॉर्म आ गए हैं, और ये न्यू फॉर्म 1 अप्रैल से अप्लाई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी यूट्यूबर्स ने यहाँ पर न्यू फॉर्म के लिए बता दिया है, न्यू फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इस फॉर्म को भरना है, इन सभी का वीडियो आ गया है। लेकिन इसके अंदर जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म साफ प्रिंट नहीं है और टेढ़े मेढ़े फॉर्म है। इस फॉर्म को अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे इन फॉर्मों को साफ तरीके से अपन प्रिंट कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में यही पूरी डिटेल अपन जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे को ये PDF फाइल है ये JPEG में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और उसके बाद में तो यहाँ पर आपको PDF टू JPEG सर्च करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये वेबसाइट आ रही है PDF टू इमेज, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और भी आप दूसरी वेबसाइट से कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर PDF टू JPEG कर लिया है, यहाँ पर अपलोड फाइल पे क्लिक कर लेते हैं, और जहाँ भी हमने इस फाइल को रखा है उस फाइल को PDF को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर न्यू फोल्डर 4 रखा है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिए, ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर इसके अंदर 16 पेज है और 8 MB की ये फाइल है। सबसे पहले इस फाइल को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हैं तो फोटोशॉप में आप एक एक पेज को भी ले जा करके कन्वर्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जब तक ये अपलोड हो रही फाइल। और यहाँ पर मैं फोटोशॉप 7 में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर फोटोशॉप 7 आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद में जहाँ भी आपने ये PDF फाइल है 16 पेज की सेव की, मैंने यहाँ पर सेव की हुई है, तो हम यहाँ से इसको पकड़ करके फोटोशॉप के अंदर ले जाके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये PDF फाइल है, इस प्रकार से ये बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर पेज बताया गया है 1 to 16, तो हम यहाँ पर पेज से यहाँ पर नीचे स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 3 आ गए हैं, ये 2 नंबर पेज आ गए हैं, या फिर अपन यहाँ गो टू पेज करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 नंबर पेज अगर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर ओके कर दिया और यहाँ पर ओके कर दिया, तो यहाँ पर 3 नंबर पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओके कर लेते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा PDF है, ये PDF JPG में ये फॉर्म 1 पेज है ये ओपन हो जाता है। तो अगर आप उस तरीके से वेबसाइट से सारे पेज को कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, फोटोशॉप में एक एक पेज को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ब्राउजर के अंदर ये फाइल पूरा अपलोड हो गया है, और अब हमारा ये पेज है ये सारे कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ये कन्वर्ट होने के बाद में आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर भी आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाउनलोड ऑल पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर जो एडवर्टाइज आती है इसको क्लोज कर देते हैं, और ये हमारा जिप फाइल के अंदर
और इसकी साइज भी कम हो जाती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम यहाँ से फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जिप फाइल है, ये ओपन हो गई। अब जिप फाइल को हमारे को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करके और यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद में ये न्यू फोल्डर बन जाएगा, इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो 16 पेज थे वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे को अगर ओबीसी फॉर्म को कन्वर्ट करना है तो ओबीसी फॉर्म यहाँ पर देख लेते हैं, ये फॉर्म है, ये फॉर्म ओबीसी का है। तो यहाँ पर ओबीसी का 5 पेज है, तो अपन यहाँ पर 5 पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन 500 पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से फोटोशॉप के अंदर मूव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फोटोशॉप के अंदर सारे पेज आ गए हैं। अब हम सबसे पहले वाला पेज है, इसको थोड़ा जूम करेंगे, आप देख सकते हैं ये जूम हो गया है। और यहाँ पर अगर ये फॉर्म आप देखते हो तो यहाँ पर एक इसके अंदर लाइनिंग भी आ गई है, ब्लैक कलर भी यहाँ पर आया गया है, यहाँ साफ प्रिंट नहीं है। तो यहाँ पर अपन इस पेज को सबसे पहले सीधा करेंगे, तो सीधा करने के लिए कंट्रोल ए को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपन यहाँ से माउस को लाएंगे, यहाँ इस प्रकार से गोलाई वाला एरो बन जाता है, तो यहाँ से माउस को पकड़ करके थोड़ा ऊपर की साइड ले जाना है ताकि ये पेज है वो सीधा हो जाए। तो इस पेज है सीधा हो गया है। अब यहाँ से नीचे से पकड़ करके कीबोर्ड से अलर्ट और शिफ्ट दबाना है और इसको बड़ा कर लेना है, इस फॉर्म को अपन बड़ा कर लेते हैं ताकि ये फॉर्म है हमारे को अच्छे से दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म सीधा भी हो गया है, बड़ा भी हो गया। अब हम यहाँ पर बीच में डबल क्लिक कर लेते हैं और अब हमारे को इसमें क्या करना है, इसमें हमारे को कंट्रोल एल दबाना है कीबोर्ड से, उसके बाद में इस लाइन को इस साइड में ले जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैकग्राउंड में जो भी कलर था वो हट गया है और इस लाइनिंग को अपन पकड़ करके इधर की साइड लाना है ताकि ये अक्षर है ये हमारे को साफ दिखाई दे। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये फॉर्म है ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब इसके अंदर बच गई है लाइन, तो लाइन को अपन यहाँ पर कैसे रिमूव करेंगे, तो लाइन को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर इरेजर टूल लेना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ब्रश में आपको 13 नंबर ब्रश है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको इस प्रकार से पकड़ करके ले आना है। इस प्रकार से आप माउस को चलाओगे तो यहाँ पर सभी जो ब्लैक धब्बे हैं, ब्लैक लाइन है, वो यहाँ पर इस प्रकार से रिमूव हो जाएगी। अगर यहाँ पर अगर देख सकते हो यहाँ पर लाइन आ रही, तो इस बॉक्स को अपन यहाँ पर राइट क्लिक करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जो ये गोल डिब्बा दिख रहा है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस प्रकार से अपन इस लाइन को हटा सकते हैं, जो भी लाइन है एक्स्ट्रा दिख रही है इस प्रकार से अपन इस लाइन को भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से अपन रिमूव कर सकते हैं। इस पेज को छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस लाइन को आप इसी प्रकार से ही आप डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन है वो हट गई है, इसी प्रकार से आप इसी पूरी लाइन को आप इस प्रकार से हटा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आपको तरीका बता दिया है और इसमें मैं आपको और भी यहाँ से हटा करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख इस प्रकार से अगर आप फॉर्म को रेडी कर लोगे तो ये फॉर्म आप अलग अलग सेव करके भी रख सकते हो और इसमें आपकी जो प्रिंटर की सही है वो भी कम लगेगी और फॉर्म दिखने में बहुत साफ सुथरा दिखेगा फॉर्म और यहाँ पर हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन साफ तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वापस अगर अपलोड करेंगे तो भी हमारे को इस फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये बहुत आसानी से लाइन है ये रिमूव हो जाती है और आपको धीरे धीरे बहुत सफाई से काम करना है। यहाँ पर धीरे धीरे माउस से पूरी लाइन को रिमूव कर देना है ताकि हमारे को फॉर्म ये देखने में बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही क्लीन लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी लाइन को रिमूव कर दिया है, आप देख ही सकते हैं। मैं अभी आपको बताने के लिए थोड़ी लाइन है वो जल्दबाजी में रिमूव कर रहा हूँ, आप आसानी से बहुत ही फास्ट तरीके से इस लाइन को रिमूव कर सकते हैं। ये फॉर्म DOIT ने स्कैन करके इसलिए अपलोड किया है कि यहाँ पर आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म है बहुत ही क्लीन फॉर्म हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही साफ सुथरा फॉर्म हो गया है और ये सीधा भी हो गया। अगर फिर भी सीधा नहीं होता है आपसे सही से तो यहाँ पर आप कंट्रोल R दबाओगे तो ये रूरल आ जाएगा और यहाँ पर आप लाइन पकड़ के इस प्रकार से कहीं भी यहाँ पर जो NX की लाइन दिख रही है यहाँ पर आप रखोगे तो यहाँ पर सीधी आएगी, ये मतलब ये पेज सीधा हमने
इसको मूव कर लिया है। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को साफ कर सकते हो। वापिस ये लाइन हटाने के लिए आपको कंट्रोल एच करोगे तो ये लाइन हट जाएगी। तो इसके बाद में अगर इस फॉर्म को आपको सेव करना है तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एस दबा दोगे, उसके बाद में ये फॉर्म आ जाएगा। तो इस फॉर्म का जो भी आप नाम लिखना चाहते हो उस फॉर्म का नाम लिख सकते हो, पेज का नाम लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर सेव पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर ओके कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने फॉर्म का पेज है ये सेव कर लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर अपन प्रीव्यू करके फॉर्म को देख सकते हैं, ये पेज हमारा बहुत ही साफ सुथरा सा क्लीन हो गया है। अब इसी प्रकार से आप चारों पांचों पेज को साफ कर लोगे। साफ करने के बाद में वापिस आपको इसी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जेपीजी टू पीडीएफ, और उसके बाद में आपको वापिस इसी तरीके से यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर पेज जो आपने साफ किए है उस पेज को आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट पेज को साफ कर लिया है और अब मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ इसका सेकंड भाग थर्ड भाग। यहाँ पर मैंने साफ नहीं किए हैं, आपको दिखाने के लिए एक पेज ही किया है, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट अपन वापस पीडीएफ में कर सकते हैं। तीन चार पेज जितने भी है उनको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये तीनों पेज है ये वापस अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ फाइल है ये ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ पर फाइल पे क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये तीनों ही पेज है वो मर्ज हो गए। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही साफ तरीके से फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो मैंने फॉर्म साफ किया है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और जो मैंने साफ नहीं किया है वो बहुत ही गंदा दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। तो अपन ये साफ वाला फॉर्म को प्रिंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा फॉर्म है ये प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आपके मन में और कोई सवाल है या आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी आता है पीडीएफ टू जेपीजी जेपी पीडीएफ, तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।